डोंट बाई नॉइस कलर फिट आइकन बस, ये स्मार्ट वॉच मैं आपको मना कर रहा हूँ, मत खरीदिए। आप मैं क्यों खरीदने के लिए मना कर रहा हूँ, आज के इस वीडियो देखते रहिए। तो पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मेरे पास दो स्मार्ट वॉच है, ठीक है। ये रहा, एक है फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच, देख लीजिए ऐसा करके कुछ, ठीक है। और एक है आपका बोट फ्लैश एक्सटेंशन, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन साइज, पहले आप देख लीजिए दोनों का कंपैरिजन में अच्छे से। तो अगर मैं स्क्रीन साइज़ की बात करूँ, इन दोनों में अगर आप मुझे पूछे तो कौन सा मेरा फेवरेट स्मार्ट वॉच है, ऑब्वियसली बोट का ये फ्लैश एडिशन, ये वाला स्मार्ट वॉच। अब क्यों फेवरेट है सब मैं बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, और क्यों नहीं लेना चाहिए आपको कलर फिट आइकन बज ये नया जो स्मार्ट वॉच आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्राइस को आपको हिट करना चाहता हूँ। तो प्राइस यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट में मिलता है 3500 प्राइस, जो फ्लिपकार्ट में मेंशन है इतना प्राइस में आपका ये लॉन्च होने वाला है। और उसके बाद इस प्राइस पॉइंट में इससे अच्छा अच्छा आपको स्मार्ट वॉच बोट की तरफ से मिल जाएगा। और स्क्रीन साइज़ का अगर सबसे जो मुझे इस स्मार्ट वॉच में बेकार लगा, आइकन बज में, वो है स्क्रीन साइज़। अच्छे से आप स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन साइज़ में कितना थिक बेजल आप देख सकते हैं, कितना मतलब बेजल का स्क्रीन डिस्प्ले साइज बहुत ही 1.69 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। और साइड में बेजल्स देखिए कितना बड़ा बड़ा बेजल्स है, यह सबसे मुझे एकदम घटिया लगा है। उसके बाद जो प्राइस यहाँ पर रखा गया है 3500, इसके नीचे अगर आप 2500 में बहुत ही अच्छा अच्छा आपको बोट का स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाए, जैसे मैं बता रहा हूँ ये वाला बोट फ्लैश एडिशन, और मैं इसको 5 महीना हो गया मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और सच में बता रहा हूँ बहुत ही स्मार्ट वॉच, एकदम धांसू स्मार्ट वॉच है ये वाला स्मार्ट वॉच, मेरा फेवरेट स्मार्ट वॉच है। और स्क्रीन साइज़, उसके बाद यूजेस, उसके बाद कम्फर्टेबलनेस, सब कुछ इसमें बढ़िया है। तो प्राइस, उसके बाद इसका डिस्प्ले, आप जैसे को पता ही चल गया होगा डिस्प्ले आप देख ही लिया। इससे एक तो अच्छा है, नॉइज ने पहले ही क्लियर कर दिया, इसमें थोड़ा बेजल्स रहेगा, पर जब मैंने एक्चुअली इस फायरबोल्ट निंजा को खरीदा था, इसका बेजल्स आप देख सकते हैं अच्छे से, साइड में कोई भी मेंशन कुछ भी नहीं किया गया था कितना बेजल्स होने वाला, कितना डिस्प्ले। जब मैं लिया हूँ सच में बता रहा हूँ ये खिलौना लग रहा था, जब मैं पहनता था मुझे लग रहा है कि मैं कुछ खिलौना पहन रहा हूँ, पर जब ये मैं पहनता तो तब मुझे लगता है कुछ मैं सॉलिड कुछ चीज़ पहन रहा हूँ। तो यही आपको कुछ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे आपको फीचर्स, जैसे और मैं एक फीचर बताने वाला हूँ जो है गेम, यहाँ पर आपको कुछ बिल्ट इन गेम देखने को मिलता है इस स्मार्ट वॉच में। गेम का करेंगे क्या, स्मार्ट वॉच में आप गेम खेलेंगे या कुछ भी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट वॉच गेम खेलने के लिए नहीं है, मोबाइल है, मोबाइल में आप अच्छे जितना इच्छा पबजी जो भी है गेम वो खेलिए। और यहाँ पर गेम भी दिया है फ्लैपी बर्ड, हाँ मुझे पता है नॉर्मल टाइम पास खेलने के लिए ठीक है, पर जब आप अगर गेम खेलेंगे तो आपका बैटरी लाइफ, मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, बैटरी लाइफ बहुत ही जल्दी आपका डिक्रीज करने वाला है। और यहाँ पर नॉर्मली सब कुछ फीचर्स तो सब कुछ बढ़िया है, पर मुझे जो एकदम ठीक ठाक नहीं लगा वो है डिस्प्ले साइज़। डिस्प्ले एकदम ही छोटा सा डिस्प्ले इसका आप देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर बैटरी तो दावा करता है 7 दिन, पर यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कितना एमएएच का बैटरी होने वाला है, कुछ भी नहीं। तो और यहाँ पर IP67 वाटरप्रूफ एक रेटिंग के साथ आता है ये स्मार्ट वॉच, कलर फिट का ये नॉइस का कलर फिट आइकन बज। और जो IP67 का जो वाटरप्रूफ है ज़्यादा, मतलब नॉर्मली अगर थोड़ा बारिश आ जाए तब उसके लिए ठीक है, पर नॉर्मली एकदम ही ठीक नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं इस वॉच को पहनकर आप शावर लेंगे तो 1 से 2 महीना हालांकि आपका चलेगा, उसके बाद ख़त्म और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं लेना चाहिए नहीं, पर मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, आप रुक जाइए स्मार्ट वॉच को लेने से पहले, कुछ रिव्यूज़ देख लीजिए यूट्यूब पर, ऑथेंटिक रिव्यू, मैं कोई पेड रिव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑथेंटिक रिव्यू देखिए। और सबसे अच्छा रिव्यू देखने के लिए आपके पास ऑप्शन है वो या फ्लिपकार्ट में जाइए, जब स्मार्ट वॉच लॉन्च होगा कुछ दिन वेट कीजिए, वहाँ पर फ्लिपकार्ट में नीचे आपको पूरा रिव्यू सेक्शन में क्रिटिकल रिव्यू जो 1 स्टार देता है क्यों दिया है वो आप अच्छे से देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। जब मैंने एक्चुअली ये फायरबोल्ट, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई आप कुछ भी बोलना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर लूँगा उसको फीडबैक हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में।